ये एक बात साफ है, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा और कंधे पे उठा के भूलेगा। लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। जानकारी मुझे जनता से मिली है, मुझे शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं। तक ये जनता ही मेरी भगवान है और ये जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जनता भगवान है ये कथन प्रदेश के सीएम ने शिवपुरी में कहे और मंच से ही शिवपुरी के सीएमओ को निलंबित कर दिया। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिनचर्या का यह हिस्सा बन गया है, मंच से जनता के सामने किसी अधिकारी को वो सस्पेंड कर देते हैं और खूब जनता की तालियां बटोरते हैं। उनके अनुसार उन्हें जनता से पता चलता है कि कौन अधिकारी भ्रष्ट है। वैसे सीएम हेल्पलाइन में रोज हजारों मामले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होते हैं, जिनकी सुनवाई और न्याय के लिए जनता यहाँ वहाँ चक्कर लगाती है। ऐसा कौन सा प्रशासनिक कार्यालय है जहाँ की व्यवस्था भ्रष्ट न हो? अब तो ये जनता भी स्वीकार कर चुकी है और आदत भी डाल चुकी है कि काम इसी ढर्रे पर होगा। और आप कहाँ दो चार अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करके व्यवस्था बदलने का दावा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, व्यवस्था बदलनी है तो बीमारी की जड़ पर प्रहार कीजिए, बड़ा ऑपरेशन कीजिए, ये महरम लगाने से बीमारी ठीक नहीं होगी। वैसे भी अब चुनावी साल सामने है और यदि आप लचर बीमारू सरकारी व्यवस्था को गंभीरता से बदलने की इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो जनता आपका स्वागत करेगी, लेकिन ये दो चार फायर करके आप जंग नहीं जीत पाएंगे, ये भी कटु सत्य है।